हेलो सिक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच हिंदी लेसन नंबर 4 जोकर। आज हम जोकर की कलाबाजियाँ देखेंगे कि जोकर हमें कैसे खुश करते हैं, कैसे हैप्पी करते हैं, हंसा देते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इस लेसन में प्रस्तुत पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया है। इस पाठ में हमें क्या है कि मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपने शब्दों को, अपनी बातों को कहने के लिए प्रेरित किया गया है। ओके चिल्ड्रेन, तो अभी हम देखेंगे अध्ययन कौशल। अब देखो इसमें दिया है ना कि नहीं, 5 मुहावरों कहावतों के सांकेतिक चित्र बनाओ। जैसे देखो यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया है, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। यहाँ पे दाल बनाया है, मुर्गी बनाया है, घर बनाया है, ठीक है। ऐसे ही आपको 5 मुहावरा चित्र के साथ लिखना है और बनाना है, ठीक है। चित्र बनाना है और लिखना है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी, 2 और आप बाकी का आप करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 दिया है ना, 9। फिर देखो 9 2 11 होता है ना, एक ये होता है ना 9 2 11 कहावत, तो यहाँ पे 9 2 11 उसका भी चित्र बना के दिया हुआ है और आपको भी ऐसे ही बनाना है, ठीक है। 2 इस पे दिया हुआ, 3 आप अपने मन से बना लोगे। ओके चिल्ड्रेन, तो अभी हम जोकर का फर्स्ट देखेंगे। जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियाँ दिखाता है। सच में जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियाँ दिखाता है। छोटे से रस्सी पे चल करके, छतरी ले करके, कैसे कुत्ता उछलता है कि पब्लिक उसको देख करके हंसे, है ना। और अपने चेहरे को बेचारा कैसे बना लेता है सबको खुश करने के लिए। नंबर 2, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। जोकर क्या करता है, झूठ मूठ का हंसता है कि लोग हंसे उसको देख करके, तभी तो उसकी कला का प्रदर्शन होगा। और इसमें क्या है, 3, उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह जाता। अगर जोकर कोई कलाबाजी दिखाता है चिल्ड्रेन, तो उस पर अगर ऑडियंस जो देखने वाले लोग होते हैं वो लोग हंसते नहीं हैं, तालियां नहीं बजाते हैं, तो जोकर को कलाबाजियां दिखाने में थोड़ी सी मुश्किल होने लगती है। फिर वो बेचारा नाखुश हो जाता है, वो खुश नहीं हो पाता है कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए पब्लिक हंस नहीं रही है, इसलिए वो मन महसूस कर रह जाता है, मतलब दुखी रह जाता है। नंबर 4 क्या है, खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। देखो जब ही जोकर का खेल ख़त्म हो गया तो बच्चे लोग उसको धन्यवाद, थैंक यू बोलने लगे ना, तो उसको बहुत खुशी मिलने लगी, वो फूलों न समाया। ये भी देखो एक तरह का ये है कहावतें और मुहावरे, फूले न समाना। तो कैसे वो जोकर खुश होने लगा। और फिर 5वां क्या है, 5th, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। ये दंग रह गया अभी मुहावरा है ना, देखो जब उसने अपनी नकल करते हुए देखा तो वो बहुत खुश हुआ, बहुत मतलब खुश होकर के वो दंग रह गया कि मतलब मैंने कुछ अच्छा किया है, वो मेरी नकल कर रहा है। और जो क्या है, 6 क्या है, जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आँखें दिखा रहा था। जो बच्चे शोर मचाते हैं ना, मस्ती करते हैं, बदमाशी करते हैं, उनको आंखें दिखा रहा था। और फिर 7, मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है। मतलब क्या करता है, कलाकारों के कर्तव्यों का जोकर क्या करता है, श्रेय लेता है ना, वही दिखाता है ना कलाबाजी, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। मतलब कि जैसे कि गंगा चले जाते हैं ये गंगादास और जमुना चले जाते हैं जमुनादास, वैसे ही अपने वो कर्तव्य को दिखा करके अपने अपने कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है, है ना। और गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा ही हुआ ना, नाचना है आंगन टेढ़ा। देखो सब में जितना है, मैं इसमें नंबर 1 से लेकर 8 तक दिया है, सब में मुहावरा और कहावतें दिया हुआ है लास्ट में, है ना। नाचना है आंगन टेढ़ा ये कहावत है ना, और एक गंगा गए गंगादास ये भी कहावत है।
तो इन कहावतों पर देखो, आंख दिखा रहा है, आंखें दिखाना ये मुहावरा है, दंग रह जाना ये भी मुहावरा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है कि गला खराब, मतलब उसको गाना तो आ ही नहीं रहा है और बोल रहा है मेरा गला खराब है। तो ऐसा ही हुआ ना, जैसे कि नाचने तो आता नहीं है, बोलते हैं कि आंगन टेढ़ा है, तो मैं कैसे नाचूं, क्योंकि मैं बहुत घूम घूम के नाचता हूँ, इसलिए आंगन मेरे लिए छोटा पड़ जाएगा, टेढ़ा है। तो इस लेसन में बच्चों कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही हंसी ठहाका का है, जोकर के बारे में दिया हुआ है और बच्चों के बारे में। और सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या है, कहावत और मुहावरे, जो आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है और वाक्य प्रयोग भी करना है। ओके चिल्ड्रेन, अभी आपका लेसन फिनिश होता है, हम होमवर्क देखते हैं चिल्ड्रेन। अभी मैंने समझा, आपने क्या समझा वो लिखना है। शब्द वाटिका, शब्द वाटिका में मुहावरा और कहावतें दिया हुआ है, वो आपको लिखना है। देखो ये कहावतें हैं ना, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास कहावतें हैं, अवसरवादी नाचना है आंगन टेढ़ा, ये सब कहावतें हैं और ये सब मुहावरे हैं। जान पर खेलना, ठहाका लगाना, मन महसूस कर रह जाना, फूलाना समाना, दंग रहना, आंखें दिखाना। ओके चिल्ड्रेन, और देखो इधर दिया ना, निम्नलिखित शब्द को लेकर चार मुहावरे लिखो, और यहाँ पे दिया है हाथ, तो हाथ को लेकर के हमें चार मुहावरे लिखने हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, दूसरा हाथों हाथ लेना, तीसरा हाथ बटाना, चौथा हाथ पर हाथ रखकर बैठना। ओके आपका चार कंप्लीट हो गया। अब देखो स्वयं अध्ययन करना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, आधारित कोई कहानी सुनाओ, ठीक है, ये कहानी आपको सुनाना है आपस में। जरा सोचो तो बताओ, यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो तुम क्या करोगे उसके साथ, इसके बारे में अपना विचार लिखना है। सदैव ध्यान में रखो ये सुविचार है, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। हम जब हमेशा खुश रहेंगे तो हमारे हमसे बीमारियां दूर रहती हैं, अगर हम दुखी रहते हैं तो बहुत बीमारियां हमें पकड़ लेती हैं। ओके चिल्ड्रेन, विचार मंथन, गागर में सागर भरना, ये विचार है, विचार मंथन है। अब देखो यहाँ पे दिया है, चित्र की सहायता से बारह खड़ी के शब्द बनाकर लिखो। आपको चित्र की सहायता से क्या लिखना है, बारह खड़ी के शब्द बनाकर लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, कमल, और यहाँ पे दिया है वॉन, और यहाँ पे दिया है चित्र का अंतिम अक्षर, आम का चित्र दिया हुआ है ना। अब हमको इन सबको मिलाना है, और इन सबको देखो, क इसका पहला वर्ड लेंगे, ल हमें दिया हुआ है, और आम इसका लास्ट अंतिम दिया है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा कलम, क्या आ जाएगा, कलम। अब देखो दूसरा क्या है, आपको क्या दिख रहा है, ये है ना, क्या दिख रहा है, कागज़ दिख रहा है, तो कागज़ का क, सॉरी का, और यहाँ पे हम लेंगे ग, है ना, सॉरी ये ज लेंगे, और ये देखो क्या है, जो यहाँ पे जैसा घर जैसा बना हुआ है ना, महल है ना, उसका लास्ट वाला हम अक्षर ले लेंगे ल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, काजल। ये हमें सोच समझ के बनाना है शब्द। ओके चिल्ड्रेन, अभी देखो यहाँ पे क्या है, किताब है, और यहाँ पे सा दिया हुआ है, और यहाँ पे निशान दिया हुआ है, तो निशान का न, सा और की, हो गया किताब, ऐसे ही आपको बनाना है। ओके चिल्ड्रेन, बाकी आप खुद करोगे, और ये लेसन आपका यहाँ पे फिनिश होता है चिल्ड्रेन। और आपको अच्छे से वीडियो को केयरफुली सुनना है, इसके बाद होमवर्क को करना है। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।